नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपनी थ्योरम को कंटिन्यू करते हुए उसका थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट जो है उसको कराएंगे, जिससे तीन पार्ट्स के द्वारा हमारी जो पूरी थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी। और एग्ज़ाम में अगर आपको ये थ्योरम स्टेटमेंट प्रूव करने को कहा जाता है, या फिर अगर इसकी स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपको प्रूफ करने को कहा जाता है, तो आपको इसके तीनों पार्ट्स जो हैं वो प्रूफ करके दिखाने होंगे। मैं एक बार थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करती हूँ, जिसे मैं तीनों वीडियो से एज अ हेडिंग ही यूज़ करती आ रही हूँ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एवरी रिंग विद यूनिटी कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ सम एडिटिव एबिलियन ग्रुप। तो हमें आज यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास में R प्लस डॉट कोई रिंग है, तो हमारे पास में वो एम्बेड हो जाएगा एक एंडोमॉर्फिज्म ऑफ सम एडिटिव एबिलियन ग्रुप। यानी कि R प्लस डॉट और ये वाला जो एंडोमॉर्फिज्म ऑफ सम एडिटिव एबिलियन ग्रुप, इसका ये जो रिंग फॉर्म कर रहा है, ये जो रिंग फॉर्म हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में एक वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो हम ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला जो चीज़ होता है यानी कि होम वी वी, जहाँ पर हमारे पास में वी क्या है, एडिटिव एबिलियन ग्रुप। ये एक रिंग फॉर्म करता है विद यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। होम वी वी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट इज अ रिंग विद यूनिटी, ये होगा हमारे पास में। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये रिंग विद यूनिटी होता है, और यहाँ पर V हमारे पास में हम कोई भी एडिटिव एबिलियन ग्रुप ले सकते हैं। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि R प्लस डॉट अगर एक रिंग है, तो हमारे पास में R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या है, एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप है। अगर R के ऊपर हम खाली एडिशन वाला ऑपरेशन जो है उसको कंसिडर अगर करें, तो वो एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होगा। तो R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं R प्लस से। ये इस सिंबल को लिखना थोड़ा सा आसान होगा इसके लिए। सो R प्लस इज एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप। अब हमारे पास में ये एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप हो गया, तो होम आर प्लस हमारे पास में क्या है, इज अ रिंग विद यूनिटी। ये एक रिंग विद यूनिटी फॉर्म कर जाएगा। अब हम डिफाइन करते हैं एक मैपिंग, डिफाइन अ मैपिंग F from R to home R plus R plus। हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं F R से होम R plus के बीच में, कुछ इस तरह से। F of R is equal to GR for all R belongs to R। अब ये एफ आर का मतलब तो हमें समझ आ गया कि F जो है वो रिंग के एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये GR क्या है, वो जिस एलिमेंट को मैप हो रहा है GR, हमें वो चेक करना है कि वो बेसिकली है क्या। GR जो है वो होम R प्लस को अगर बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो अगर मैपिंग है R प्लस से R प्लस के बीच में, तो वो किस तरह की मैपिंग है, क्या वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग है,
क्या वो एक होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर प्लस से आर प्लस के बीच में, और अगर वो इस तरह की मैपिंग जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है तब वो हमारे पास में होम आर प्लस के अंदर बिलोंग कर जाएगी। उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि ये वाली जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड अगर ये मैपिंग है तब हम एम्बेडिंग वाला प्रूफ करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये मैपिंग जो है वो वन वन और होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये जो एलिमेंट लिया है जी आर, वो हमें ये प्रूफ करना है कि वो इसका पार्ट है, होम आर प्लस का एक पार्ट है। तो ये वाली कंडीशन हम चेक करेंगे। हमारे पास में जी आर आर प्लस टू आर प्लस डिफाइंड एज जी आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि जी आर जो है वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। टू शो जी आर इज वेल डिफाइंड, ये हम किस तरह से चेक करेंगे, लेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज आर एक्स वन इज इक्वल टू आर एक्स टू। हमारे पास में अगर दो एलिमेंट सेम है तो उसको जब हम सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम रहेगा। ये भी होगा हमारे पास में, इसका मतलब क्या हुआ, जी आर एक्स वन इज इक्वल टू जी आर एक्स टू। अगर हमारे पास में एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनकी जो इमेजेस हैं वो भी बराबर आ रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जी आर इज वेल डिफाइंड। अब हमने वेल डिफाइंडनेस तो चेक कर ली, यानी कि जी आर जो है वो हमारे पास में आर प्लस से आर प्लस के बीच में एक मैपिंग तो हो गई है और वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग भी हो गई है। लेकिन अब हमें इसको ये प्रूफ करना है कि ये जो जी आर है वो होम आर प्लस के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये इसके अंदर कब बिलोंग करेगा हमारे पास में, जब वो एक होमोमॉर्फिज्म होगा। आर प्लस ये इसके अंदर कब बिलोंग करेगा, जब ये एक होमोमॉर्फिज्म होगा जी आर, और ये दोनों क्या हैं, एडिटिव एबिलियन ग्रुप हैं। तो हमें यहाँ पर खाली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को चेक करने की ज़रूरत है। जी आर इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का क्या मतलब हुआ, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक ही बाइनरी ऑपरेशन, हमें इसको यहाँ पर ऑपरेशन को चेक करना है होमोमॉर्फिज्म को, और यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो हम कंसिडर करते हैं जी आर एक्स वन प्लस एक्स टू विच इज इक्वल टू आर टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू विच इज इक्वल टू आर एक्स वन प्लस आर एक्स टू विच इज इक्वल टू जी आर वन जी ये आ गया जी आर सॉरी जी आर एक्स वन प्लस जी आर एक्स टू। हमने शुरुआत करी थी जी आर एक्स वन प्लस एक्स टू से और हम पहुंच गए हैं जी आर एक्स वन प्लस जी आर एक्स टू। तो इस तरह से हमारे पास में जी आर जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। देयरफॉर जी आर इज अ होमोमॉर्फिज्म और इसीलिए जी आर इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। जी आर बिलोंग्स टू होम आर प्लस देयरफॉर हमारे पास में ये वाला जो जी आर है वो होम आर प्लस के अंदर बिलोंग कर जाता है। लेकिन हमने मैपिंग को किस तरह से डिफाइन करा था, जो जी आर वाली मैपिंग थी वो हमने कैसे डिफाइन करा था, जी आर फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस बाय जी आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, ये हमने एक फिक्स आर के लिए डिफाइन करा था जो आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ आर प्लस था। इसी तरह से R प्लस के यानी R जो सेट R है उसके हर एक एलिमेंट के लिए हम ये मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं।
तो हमारे पास में हमने ये जो मैपिंग डिफाइन करी थी f फ्रॉम r प्लस डॉट टू होम r प्लस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हमने इसको किस तरह से डिफाइन करा था, बाय f ऑफ r इज इक्वल टू जी आर। तो ये हर एक r के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जी आर एग्जिस्ट करेगा। अगर हम ये एफ आर वन लेते हैं तो इधर जी आर वन आ जाएगा, एफ आर टू लेते हैं तो इधर जी आर टू आ जाएगा। इस तरह से हर एक एलिमेंट ऑफ आर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर अलग अलग जी आर एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मैपिंग है एफ, ये जो हमने डिफाइन करी है, क्या ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड। अब हम जी वाली मैपिंग को कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हमें चेक करना है एफ की मैपिंग के लिए कि क्या ये मैपिंग जो है वो वेल डिफाइंड है। लेट आर वन इज इक्वल टू आर टू, अगर दो एलिमेंट सेम हैं इम्प्लाइज आर वन एक्स इज इक्वल टू आर टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इससे हमें क्या मिल गया, जी आर वन एक्स इज इक्वल टू जी आर टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर क्या है, ये जो मैपिंग्स हैं ये सभी x belongs to R के लिए बराबर हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं। इसका मतलब हमारे पास में जी आर वन इज इक्वल टू जी आर टू आ जाता है। तो अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाता है कि दो जो इमेजेस आ रही हैं वो भी इक्वल आ रही हैं, therefore f इज वेल डिफाइंड। इस तरह से हमारे पास में F जो है वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग आ जाती है। अब यहाँ पर एम्बेडिंग वाला पार्ट प्रूफ करना है। देखिए इस पर्टिकुलर रिंग और इस रिंग के बीच में हमें एम्बेडिंग वाला पार्ट प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो F है ये वन वन और होमोमॉर्फिज्म दोनों है। तो अब हम यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, F इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये हमारे पास में एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, तो हमें यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म यानी कि होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों चेक करना होगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, हमें ये प्रूफ करना होगा कि एफ ऑफ आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एफ आर वन प्लस एफ आर टू एंड एफ ऑफ R1 R2 is equal to FR1 into FR2। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे चेक करनी होगी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो प्रूफ करेंगे, फिर सेकेंड वाला जो है मल्टीप्लीकेशन वाला वो प्रूफ करेंगे। हमारे पास में F of R1 plus R2 क्या आएगा, GR1 plus R2 and FR1 प्लस एफ आर टू, ये क्या आएगा, जी आर वन प्लस जी आर टू। सबसे पहले हमने इस वाले पार्ट को कंसिडर करा है, एफ ऑफ आर वन प्लस आर टू विच इज इक्वल टू जी आर वन प्लस आर टू, एंड फिर हमने राइट हैंड साइड को कंसिडर करा है, तो एफ ऑफ आर वन प्लस एफ ऑफ आर टू इज इक्वल टू जी आर वन प्लस जी आर टू। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ये हमारे पास वन है, ये टू है, टू शो वन इज इक्वल टू टू। हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर जी आर वन प्लस आर टू, हमें इन दोनों मैपिंग्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो दो मैपिंग्स इक्वल कब होती हैं, जब जिस एलिमेंट, जब ये किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट हो जाए, सब एलिमेंट्स के लिए ये जो मैपिंग्स हैं वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको ऑपरेट कराते हैं x के ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास में r1 वन प्लस आर टू इंटू एक्स विच इज इक्वल टू आर वन एक्स प्लस आर टू एक्स विच इज इक्वल टू जी आर वन एक्स प्लस जी आर टू एक्स विच इज इक्वल टू जी आर वन प्लस जी आर टू एक्स। तो हमारे पास में क्या आ गया, जी आर वन प्लस आर टू एक्स इज इक्वल टू जी आर वन प्लस जी आर टू एक्स। और ये जो जिस एक्स पे हम ऑपरेट करा रहे हैं
वो आर्बिटरी है, तो ये हमारे पास में होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सभी एक्स के लिए अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, जी आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू जी आर वन प्लस जी आर टू, ये हमें मिल गया। अब ये हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ आर वन प्लस आर टू, और ये जी आर वन प्लस जी आर टू क्या है, एफ आर वन प्लस एफ आर टू। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो एडिशन वाला क्राइटेरिया है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं रेक्टेंगल के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। अब हम रिंग होमोमॉर्फिज्म का मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है उसको कंसिडर करते हैं, वो प्रूफ करेंगे। हमारे पास में हमें ये प्रूफ करना है एफ ऑफ आर वन आर टू इज इक्वल टू एफ आर वन एफ आर टू, ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। हमारे पास में एफ आर वन आर टू क्या आएगा, जी आर वन आर टू, और एफ आर वन इंटू एफ आर टू क्या आएगा, जी आर वन इंटू जी आर टू। इसको हम ले लेते हैं थ्री, इसको हम ले लेते हैं फोर, हमें थ्री और फोर को इक्वल प्रूफ करना है। नाउ टू प्रूव थ्री इज इक्वल टू फोर, तो अब हमें इन दोनों मैपिंग्स को इक्वल प्रूफ करना है। ये मैपिंग्स इक्वल कब होंगी, जब ये जिस एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट्स के लिए इक्वल हो जिस पर ये ऑपरेट हो रही है। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर जी आर वन आर टू एक्स विच इज इक्वल टू आर वन आर टू एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सब क्या है, रिंग R के एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो हम इसको R1 और ब्रैकेट में R2x लिख सकते हैं, यानी कि इन लास्ट वाले दो एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, R1 और ये क्या है, जी आर टू एक्स। इसको अगर हम इसके ऊपर ऑपरेट करते हुए देखें तो ये क्या आ जाएगा, जी आर वन ऑफ जी आर टू एक्स विच इज इक्वल टू जी आर वन जी आर टू ऑपरेटेड ऑन एक्स, और ये एक्स हमारे पास में आर्बिटरी था, देयरफॉर जी आर वन आर टू ऑपरेटेड ऑन एक्स इज इक्वल टू जी आर वन जी आर टू operated on x for all x belongs to R। अब अगर ये सभी x के लिए बराबर हो गई हैं, therefore हमारे पास में ये जो मैपिंग है जी आर वन आर टू इज इक्वल टू जी आर वन जी आर टू, ये आ जाता है। अब हमारे पास जी आर वन आर टू किसके इक्वल है, एफ आर वन आर टू के, एफ आर वन आर टू, और ये जी आर वन किसके इक्वल है, एफ आर वन के, और ये जी आर टू किसके इक्वल है, एफ आर टू के। तो इस तरह से हमारे पास में रिंग होमोमॉर्फिज्म का सेकंड क्राइटेरिया जो है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो भी यहीं पे ही प्रूफ हो जाता है। देयरफॉर और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉर ऑल आर वन आर टू बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हमारे पास में एफ क्या आ जाता है, एफ एक होमोमॉर्फिज्म आ जाता है। होमोमॉर्फिज्म से हमारा यहाँ पर मतलब है रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब जो एकमात्र चीज, अकेली चीज जो प्रूफ करनी रह गई है वो है वन वन। नाउ टू प्रूफ एफ इज वन वन, लेट एफ आर वन इज इक्वल टू एफ आर टू। इससे हमें क्या मिल गया, जी आर वन इज इक्वल टू जी आर टू। इसका मतलब जी आर वन एक्स इज इक्वल टू जी आर टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आ गया हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास में आर प्लस है क्योंकि ये जी आर वन और जी आर टू किस पर ऑपरेट हो रहे हैं, ये दोनों जो मैपिंग्स हैं वो हमारे पास में किस में बिलोंग कर रही है,
होम आर प्लस के अंदर। तो ये हमारे पास में ऑपरेट हो रही है फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस, ये हो गया। अब अगर ये वाली सभी एक्स के लिए ट्रू हो रही हैं तो इससे हमें क्या मिल गया, आर वन एक्स इज इक्वल टू आर टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। अब अगर ये सभी एक्स के लिए ट्रू हो रही है, देयर फोर आर वन इज इक्वल टू आर टू, देयर फोर एफ इज वन वन, देयर फोर हमारे पास में एफ को हमने वन वन भी प्रूव कर दिया है और होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दिया है, देयर फोर एफ इज एन एम्बेडिंग मैपिंग। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयर फोर आर कैन बी एम्बेडेड इन होम आर प्लस आर प्लस। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत लंबी थ्योरम थी, इसको तीन पार्ट्स में कराया गया था, और आप देखोगे आने वाले वीडियोस में भी कि ये एम्बेडिंग वाली जो थ्योरम्स हैं वो बहुत लंबी थ्योरम्स हो रही हैं। यहाँ पर आपने रिंग आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक कोई भी जनरल रिंग ले ली थी, आप कोई भी रिंग ले लीजिए, आपके पास में ये वाली जो थ्योरम है वो ट्रू होगी। वहां पर आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन होगा, जो कि यहाँ पर मैंने एडिशन लिया है, वो आपको उसकी मदद से आपको ये वाला जो रिंग है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर सपोज जो ऑपरेशन है वो हमारे पास में है सर्कुलर एडिशन, तो आप वहां पर ये वाला कंसिडर करोगे, इस तरह का जो क्राइटेरिया है वो कंसिडर करोगे। इस तरह से हमारे पास में आज की ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या बताया है, एवरी रिंग विद यूनिटी कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ सम एडिटिव अबेलियन ग्रुप। यहाँ पर ये जो रिंग थी वो रिंग विद यूनिटी थी, और इससे पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ प्रूव करी थी कि एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग विद यूनिटी। तो इन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करके एक नई थ्योरम फॉर्म होगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।